हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो का पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है कि किस तरह से आप टेक्नो, वैसे तो लगभग ऑल मॉडल जो MTK में आते हैं, पर इस पर स्पेशली मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ वो टेक्नो स्पार्क 6 Air पे है, जिसका मैंने खुद से IMEI नंबर चेंज किया। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा पूरा कि किस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो पे पूरा बने रहें शुरू से लास्ट तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप एक भी चीज़ स्किप करोगे तो आप IMEI नंबर अपना रिपेयर नहीं कर पाओगे। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि बिना बिल और बॉक्स के IMEI नंबर रिपेयर या चेंज ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ख़राब हो सकता है, क्योंकि IMEI चेंज करना इलीगल है। तो एक बार आप वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो कि हमने जो है MTK 4.9 वर्जन फ़िलहाल खोला है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली सिंपली जो है आप टूल FRP पे जाके, यहाँ पे आपको कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मीटा, और मीटा न्यू पे जाना है और सिंपली क्लिक कर देना है। और दोनों IMEI नंबर इस तरह से होंगे, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेंज कर दिए थे, इसके बाद ये वीडियो बनाई है आपको एक बार दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली रिपेयर करना है, रिपेयर पे क्लिक करना है और आप ध्यान से देखें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी जो चेंज किए हैं, पहले इस पर IMEI नंबर जो थे वो ये 115511, ये जो आप देख रहे हो ये थे, उसके बाद चेंज होके ये हुए हैं। और उसके बाद आप सिंपली रिपेयर पे क्लिक करो और इसको यस कर लो। और यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप फ़ोन कनेक्ट करोगे तो आपको प्लस और माइनस केबल, प्लस और माइनस मतलब जो बटन है फ़ोन के, फ़ोन को स्विच ऑफ करना और प्लस माइनस बटन ज़रूर दबाने हैं। अगर आप प्लस माइनस बटन नहीं दबाओगे तो आपका काम नहीं होगा। तो जब आप फ़ोन पे जाते हो फ़ोन को स्विच ऑफ करो, और उसके बाद फ़ोन के जो प्लस और माइनस बटन है उनको दबाना है। और जैसे आप उनको दबाने के बाद केबल लगाओगे तो आप देख सकते हो सारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे आएगा वेटिंग फॉर्मेट, और आप यहाँ साइड पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अभी कोई भी पोर्ट नहीं है। और जैसे ये पोर्ट बनेगा वैसे ही आपका साइड में जो है वो ऑपरेशन फेल्ड दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर वेट करना है थोड़ी देर, और जैसे ही यहाँ पर पोर्ट बनता है उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर दोबारा से जा कर इसको रिपेयर कर देना है और यस करना है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो शुरू से शुरू हो जाएगी। जैसे ही फेल्ड हो आपने टेंशन नहीं लेना, साइड में जैसे ही सेकंड मेटा पोर्ट बने उसके बाद आप सेकंड रिपेयर करो। और रीडिंग फ़ोन इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 115511 था लिखा हुआ, और अब IMEI नंबर आ गया है जिसके अंदर है। और दूसरा IMEI रिपेयर में नीचे आप देख सकते हो कि मेरे जो ये नंबर है ये अपडेट इसमें हो चुके हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अब एक बार आपको फ़ोन ऑन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ सामने देख सकते हो कि हमारा जो टेक्नो स्पार्क 6 Air है वो अब ऑन हो रहा है। एक बार आपको इस पर IMEI नंबर चेक करवा दूँगा कि ये वही मॉडल है। आप यहाँ देख सकते हो कि इस पर अभी हमारा जो फ़ोन है वो सिंपली ऑन हो रहा है IMEI रिपेयर होने के बाद। तो यहाँ हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। इसके बाद हमने इस पर जो पैटर्न लॉक है वो इसका रिमूव कर दिया है, और आप इस पर कोई डाटा लॉस भी नहीं होगा। पर एक बार आप अपना बेसबैंड चेक कर लें कि आपका बेसबैंड अगर सही है तभी IMEI रिपेयर होंगे, अगर बेसबैंड सही नहीं है तो नहीं होंगे। और आप ये चेक कर सकते हो IMEI नंबर टूल में, और यहाँ पे ये बिल्कुल सेम IMEI नंबर, और ये मैंने खुद से किया हुआ है तो आप 100% वर्किंग है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।